कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत मंगलवार से नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 11 अप्रैल को पर्चे की जांच तथा 26 अप्रैल को मतदान तथा मतगणना की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एक प्रत्याशी और एल्डर्स कमेटी के सदस्य सूरज प्रसाद श्रीवास्तव व राधे श्याम गुप्ता ने कहा, मैं योगेंद्र मिश्रा एडवोकेट महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन से दिनांक 26/4/2019 को चुनाव होना है, जिसमें प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ हूं। चुनाव प्रक्रिया हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। ये 9-10 पर्चा दाखिला है, हैं, और 26 को जो है वो इलेक्शन का डेट है, उस दिन चुनाव होगा। आज 9 तारीख को जितना दाखिला हुआ है विभिन्न पदों के लिए, वो जो है 3 बजे तक चलेगा। एक बार एसोसिएशन गोरखपुर का वार्षिक चुनाव है। इस चुनाव में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के में कार्यरत सभी इनरोल्ड अधिवक्ता अपने अध्यक्ष, मंत्री और अनेक पदों के पर चुनाव करते हैं, और यह चुनाव 1 वर्ष का कार्यकाल रहता है, और वह चुनाव हर वर्ष निर्धारित समय पर किया जाता है। चुनाव में आज 9 और 10 अप्रैल को पर्चा दाखिला होगा, 11 को इसकी स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक सभी संभावित उम्मीदवार प्रचार प्रसार करेंगे, और 26 को मत पड़ेगा, और उसी दिन प्रायः पदों का मतगणना होकर के परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।